नमस्कार, मैं सिंह विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सिर्फ बच्चों का टिकट हम लोग कैसे बुकिंग कर सकते हैं, बच्चों का टिकट हम लोग ऑनलाइन कैसे सिर्फ बच्चों का टिकट बुकिंग करेंगे, इसके बारे में वीडियो में जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट जानकारी देंगे कि कितने साल के बच्चे के लिए हाफ टिकट आप ले सकते हैं और कितने साल के बच्चे के लिए आप फ्री में ले जा सकते हैं, क्या रेलवे का नियम कानून है बच्चे को टिकट को लेकर के। तो इस वीडियो में हम आपको सारा डाउट क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों को टिकट को लेकर के। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर मैं छोटा सा रिक्वेस्ट किया, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग के बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी सीखने को मिलता रहे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, तो लाइक कीजिए ताकि हमको मालूम चले कि जानकारी आपको पसंद आ रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आपको टाइम वेस्ट न करते हुए हमने एक ट्रेन को सर्च करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर को ऐड करने के जगह पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 4 साल के बच्चे को अगर जब बुकिंग करते हैं, 1 साल से लेकर के 4 साल तक के बच्चे को अगर जब बुकिंग करेंगे टिकट को, तो आपसे 1 भी रुपये किराया नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कि हम अपने साथ में 4 साल तक के बच्चे को हम फ्री में ले जा सकते हैं, ठीक है, बच्चे को ऐड कर सकते हैं, उसका कोई भी हमसे 1 रुपया किराया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ भी हम अपना नाम टाइप कर देते हैं, ठीक है, और एज मान लीजिए अपना टाइप कर दिए हम, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए और एड पैसेंजर पे आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए कि हम अपने साथ में अब एक बच्चे को ऐड करना चाह रहे हैं, मेरे साथ में 4 साल तक का बच्चा है। यहाँ पर बच्चे का हम कुछ भी नाम डाल देंगे XYZ, और बच्चे को यहाँ पे 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो उसका आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने साल का है। मान लीजिए कि 4 साल तक का, 4 साल का मेरा बच्चा है, उसका मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर लीजिए, एट पैसेंजर पर क्लिक कीजिए। अब मेरा जो किराया है सिर्फ मेरा ही किराया लगेगा और 4 साल तक के बच्चे का किराया 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4 साल तक के बच्चे को आप अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं, फ्री में इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और मान लीजिए कि अब 4 साल से ज़्यादा का अगर जो बच्चा है आपके साथ में, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ बच्चे का ही टिकट कैसे बुकिंग करेंगे। तो अब मान लीजिए 4 साल के बच्चा को आप अनेरी ट्रेन में थोड़ी छोड़ेंगे, बहुत से लोग गलत भी सवाल करते हैं, पता नहीं कैसा है उन लोगों को समझ में आता है। 4 साल तक के बच्चा ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता है, आप खुद से समझ सकते हैं। 4 साल तक के बच्चे को आप टिकट बुकिंग कर ही नहीं सकते हैं, नहीं होगा, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और 4 साल तक के बच्चे का कौन भेजेगा ट्रेन में, ये भी सोचने वाली बात है, तो इस तरह के थोड़ा कम सोचिए। और बात रहा 4 साल से अधिक का अगर जो आपके साथ में बच्चा है मान लीजिए, तो उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू पे, जैसे कि और पैसेंजर को आप ऐड करते हैं तो प्लस ऐड न्यू पे आप क्लिक कीजिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद बच्चे का आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अब अपने साथ में बच्चे को लेकर के जाते हैं तो बच्चे को टिकट में आपको ऐड करना अनिवार्य है, चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बच्चे को आप टिकट में ऐड कर लीजिए, बुकिंग कर लीजिए उनका भी टिकट, और यहाँ पे एज डाल दीजिए। मान लीजिए कि 10 साल का मेरा बच्चा है, सॉरी एज 10 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, 11 साल तक के अगर बच्चे को आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन आता है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, लिख रहा है कि फुल फेयर विल बी चार्जेड सीट बर्थ इज अलॉटेड फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए अगर आप सीट लेना चाह रहे हैं तो आप इस पर टिक मार्क लगा दीजिए और आपसे पूरा पैसा वसूला जाएगा, ठीक है, यानी कि एक फुल सीट दिया जाएगा लेकिन फुल किराया भी लिया जाएगा। तो बच्चे को अगर आपको आपको सोचना है, अगर आप अपने टिकट पर आप अपने सीट पर अगर जब बच्चे को बैठा करके लेकर जाएंगे तो आपको जो बेसिक किराया होता है उससे आपको 50% आपको किराया ऑफ हो जाएगा, यानी कि हाफ आपको किराया लगेगा बच्चे को, ठीक है, सीट अगर आप नहीं लेंगे तो। लेकिन अगर जब आप सीट लेते हैं, यहाँ पे टिक मार्क लगा देंगे, अगर जब अलॉट बर्थ पर आप टिक मार्क लगा देंगे जैसे कि अभी हमने लगाया हुआ है, ठीक है, तो आपको से पूरा फुल किराया लिया जाएगा बच्चे का भी और फुल सीट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने सीट पर हम बैठा करके लेकर जाएं और आधा किराया दें, हाफ किराया दें बेसिक किराए का, तो आपको इसमें टिक मार्क नहीं लगाना है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी टिक मार्क नहीं लगाया इसमें, नहीं तो आपको अगर जो सीट चाहिए बच्चे के लिए फुल सीट, तो आप फुल किराया पेमेंट कीजिए और इस पर टिक मार्क लगाइए अलॉट बर्थ पे, नहीं तो आपको अपने सीट पर बैठा के ले जाना है, हाफ किराया देना है बच्चे का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बच्चे का नाम एज और मेल फीमेल सेट कर लेना है
और एड पैसेंजर पे क्लिक करना है। ओके कर दीजिए और यहाँ पे अपना सारा जो भी है आपको यहाँ पे एड्रेस डाल एड्रेस भर लीजिए और यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए और इंश्योरेंस सेलेक्ट कीजिए, रिव्यू जनरल डिटेल पर क्लिक कीजिए, कैप्चा डालिए, पेमेंट कीजिए और इजीली आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये हो गया कि आप 4 साल तक के बच्चे का सिर्फ अगर चाह रहे हैं बुकिंग करने के लिए तो टिकट बुकिंग आपका होगा ही नहीं, क्योंकि 4 साल तक के बच्चे को आप ट्रेन में कहाँ सफ़र कराएंगे, कहाँ छोड़ेंगे उसको। ठीक है, और अगर फुल सीट लेते हैं और 4 साल से अधिक के बच्चे, 10 से 11 साल के अगर बच्चे को आप टिकट बुकिंग करेंगे और फुल सीट अगर जो लेता है तो उसका टिकट बुकिंग हो जाता है। ठीक है, हमने सारा कुछ ट्राई कर लिया है। तो बच्चे को तो लोग साथ में ही सफ़र कराते हैं, छोटे बच्चे को मान लीजिए कि 10 साल 5 साल का बच्चा है तो उसको तो उसके पेरेंट्स गार्जियन जो होते हैं उन लोग साथ में ही लेकर के सफ़र करते हैं। तो इस तरीक़े से आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। पहले मैंने अपना टिकट बुकिंग किया, ठीक है, 22 साल मेल मैंने डाला, इसके बाद मेरे साथ में एग्जाम्पल मैं आपको दिया कि 4 साल का एक बच्चा है उसका मैंने ऐड किया, इसके बाद में 10 साल का तीसरे नंबर पे मैंने एक 10 साल के बच्चे को ऐड किया है, जिसका ये 2 साल 4 साल तक के बच्चे का किराया मुझसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ये फ्री में इसका टिकट बुकिंग हो रहा है। और 3 साल वाला है उसका सीट नहीं लिया हूँ तो उसको 50% किराया मुझे देना होगा। तो इस तरीके से आप इजीली टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी हो। चलिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन।